नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ रेनू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गार्नियर का हेयर कलर जो 60% ऑयल के साथ बना है। बहुत ही बेहतरीन हेयर कलर है। अगर आप नया हेयर कलर करने के लिए बारे में सोच रहे हैं तो इसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। पहले मैं फ़ोटो दिखाती हूँ कि मैं किस कलर के बारे में बात कर रही हूँ, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। और ये आप देख पा रहे होंगे पर्पल 60% ऑयल के साथ बना हुआ है। नंबर है इसका 3.16। इसको दिखा देती हूँ। इसके अंदर है एक खाली बॉटल है, एक प्रोक्साइड हेयर कलर कंडीशनर और एक ग्लव्स। मेरे पास चार शेड है, मैं पहले चारों शेड्स की फोटो दिखाती हूँ, फिर हम इनके बारे में आगे बात करेंगे। ये है रेड शेड। अगर आपको रेड कलर पसंद है तो आप इसे देख सकते हैं। इसका नंबर है 6.66। ये है लाइट ग्रेनेट रेड। अगर आपको रेड शेड्स पसंद है तो इसके बारे में आप जरूर सोच सकते हैं। इसके बाद है मेरे पास मीडियम ब्राउन, आप देख पा रहे होंगे। नंबर है 5.0। एक और हेयर कलर है मेरे पास, ये भी रेड शेड है। ये है 4.62। ऊपर लिखा हुआ है डार्क ग्रेनेट रेड। सो गार्नियर ओलिया 60% ऑयल के साथ बना हुआ हेयर कलर जो आपके बालों को डैमेज नहीं करे, आपके स्कल्प को इची नहीं करेगा। अगर आपके बाल रफ हैं तो उनको रिपेयर भी करेगा। और साथ ही साथ 60% ऑयल के साथ होने के बावजूद 100% ग्रे कवरेज आपको मिलेगी। अगर हम एक डब्बा खोलेंगे तो उसके अंदर क्या निकलेगा, चलिए हम एक डब्बा खोल के देखते हैं। ये है मीडियम ब्राउन, पहले मैं इसको खोलती हूँ। सबसे पहले ये है इंस्ट्रक्शंस कि आपने हेयर एप्लीकेशन कैसे करनी है और कितने देर लगा के रखना है, जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके बाद एक खाली बॉटल जिसमें आपको कलर मिक्स करना है। ये है नंबर 1 परोक्साइड, ये है नंबर 2 हेयर कलर और ये है कंडीशनर नंबर 3 जिस पे लिखा है। यही कंडीशनर क्यों इस्तेमाल करना है, ये इसलिए क्योंकि ये कलर को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए आप जब देखेंगे गार्नियर ओलिया वाले जो भी हेयर कलर आप बाय करेंगे उसके अंदर एक कंडीशनर की बॉटल निकलेगी। आप यही कंडीशनर यूज करें क्योंकि ये आपके कलर को बांधे रखेगा, कलर प्रोटेक्शन वाला है, इसीलिए इसी को आप इस्तेमाल करें। ये है नंबर 1 और नंबर 2। आपने इन दोनों कलर को एक साथ मिक्स करना है और फिर बालों में एप्लीकेशन करनी है। ये एक बॉटल शोल्डर लेंथ के हेयर के लिए इनफ है। अगर आपके बाल शोल्डर लेंथ से डबल साइज के हैं तो आपको 2 डब्बे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ओके, आप इसे खाली बॉटल के अंदर मिक्स करें और फिर एप्लीकेशन कर दें। अगर आपको बॉटल पसंद नहीं है तो आप इसे बॉल के अंदर मिक्स करें और ब्रश की सहायता से अपने बालों में लगा लें। किसी ने मुझसे पूछा था कि हमें जो ग्रे बाल हैं वो हर 2 हफ्ते में कवर करने पड़ते हैं, तो क्या हम हर बार सारे बालों को कवर हेयर के एप्लीकेशन करें, हेयर कलर की एप्लीकेशन करें? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ रूट्स को टचअप कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो मैं बताती हूँ, क्योंकि टोटल हम 45 मिनट हेयर कलर रखते हैं, हम इसको 2 भागों में बांट लेंगे। जो रूट्स को पहले आप हेयर एप्लीकेशन करें, यानी रूट्स यानी आपके यहाँ से लेके यहाँ तक के बालों में हेयर कलर की एप्लीकेशन कर दें और 30 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें। उसके बाद ये कॉम्ब लीजिए, आपका जो कॉम्ब का जो बड़ा साइड देख रहे हैं उसको आप ऐसे करते हुए पूरे बालों में इवनली हेयर कलर को स्प्रेड कर लें, यानी आपके नीचे के बालों में भी कलर आ गया। अब इसे आपने 15 मिनट के लिए रखना है, उसके बाद आप अपने बालों को धो दें, शैम्पू करें और कंडीशनर, जैसे कि मैंने कहा था कि आप ये कंडीशनर इस्तेमाल करें। ये काफ़ी है इसमें कंडीशनर, आराम से आप 2-3 हेयर वॉश तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक आपको दोबारा हेयर कलर की आवश्यकता हो जाएगी। तो एक नया डब्बा खोलें और उसमें एक और कंडीशनर आपको मिलेगा। 60% ऑयल के साथ है लेकिन 100% ग्रे कवरेज है, बालों को डैमेज नहीं करेगा।
सिल्की और साइनी बाल चाहिए तो गार्नियर ओलिया 60% ऑयल के साथ हेयर कलर को ज़रूर आजमाएं। प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस नॉर्मली 1799 ये रेंज में आपको सुपर स्टोर, वॉलमार्ट, शॉपर ड्रग मार्ट, सेवन फूड और दूसरा ऑनलाइन भी आप इसे बाय कर सकते हैं। सेल आती है बीच बीच में, वो आपको सर्च करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कब आपको सेल अवेलेबल है। सेल में आप 1399, 1499 के प्राइस में भी आपको हेयर कलर अवेलेबल हो जाएगा। ज़रूर इस्तेमाल करिए, बताइए आपका एक्सपीरियंस इस कलर के साथ कैसा रहा। मेरा बहुत ही बेहतरीन रहा है, पहले मैं हैना करती थी और अभी मैंने अपने आप को इस हेयर कलर पर स्विच किया है। खुश हूँ, ना मेरा स्कल्प डैमेज है, ना ही मुझे इच्ची स्कल्प है और ना ही अमोनिया से होने वाली आंखों में जलन है। तो आप भी इस्तेमाल करके बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, कोशिश करूंगी जवाब देने का। थैंक यू सो मच, बाय नाउ।